subscribe to my channel for more amazing content. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लेटेस्ट लैपटॉप ऑफरिंग, जिसका नाम है सरफेस लैपटॉप गो। जानते हैं इसके बारे में ए टू जेड डिटेल्स, बने रहिए मेरे इस वीडियो में आखिर तक। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, सरफेस लैपटॉप गो अगर आप आउटसाइड इंडिया देखें तो इन लोगों की मार्केटिंग ऐसे चलती है कि ये अफोर्डेबल लैपटॉप है, बच्चों के लिए बनाया गया है। जो बच्चे महंगे महंगे लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दोस्तों, वो बच्चे जो है इस लैपटॉप को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और हो भी क्यों ना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है लगभग 500 या फिर $550 के रेंज में जो है इसका बेस वेरिएंट आउटसाइड इंडिया लॉन्च किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहां पर जो है दोस्तों स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं, तो मैं कहूंगा कि वहां के लिए ठीक है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट इंडिया में आता है दोस्तों, टैक्सेशन की वजह से या फिर मैं कहूं माइक्रोसॉफ्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों मींस लीस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट में जो है मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट आ जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बेसिक स्पेसिफिकेशंस की। देखिए दोस्तों, यहां पे डेफिनेटली मैं जानता हूं कि ये लैपटॉप कोई जो है आप लोगों का तुर्रम खाम तोप गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्राइस होती है दोस्तों जिस पे जो है कुछ चीजें एक्सपेक्ट करनी जरूरी रहती है। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरे लैपटॉप में आपको जो है कहीं भी एसडी कार्ड रीडर दैट मींस देखने को नहीं मिलेगा। आप जो है अपना स्टोरेज बिल्कुल इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं। अब बेस वेरिएंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कौन सा मिलता है। बेस वेरिएंट है दोस्तों यहाँ पे 4 जीबी रैम 64 जीबी स्टोरेज का, जिसके इंडिया में प्राइसिंग है 63,500 रुपीज। 8 जीबी रैम 128 जीबी स्टोरेज का है दोस्तों प्राइसिंग 72,000 रुपीज। और 16 जीबी रैम 256 जीबी का जो स्टोरेज है दोस्तों, उसकी प्राइसिंग है 1,99,000 रुपीज है दोस्तों। तो प्राइसिंग देख रहे हैं दोस्तों कि कितनी ज्यादा यहाँ पे प्राइसिंग इन लोगों ने की है एज कंपेयर टू आउटसाइड इंडिया वर्जन्स। तो उसकी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि इंडिया में इसका टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में काफी ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट कॉन्शियस लोग रहते हैं दोस्तों, और मैं कहूंगा कि ये प्राइसिंग पे जो ये लॉन्च हुआ है उस प्राइस पे कहीं भी जो है दोस्तों ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। नाउ वेट के बारे में हो सकता है ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हो दोस्तों कि 1.1 केजी जो है हमारे पास वेट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आजकल आप लोगों को जो है इससे पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाले भी एसर के हुआ एसूस के ले लो तो 1.1 ना सही, लेकिन 1.3 से 1.4 केजी के भी जो है दोस्तों लैपटॉप आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि इससे जो है काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, इससे काफी ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, मेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको थ्रू आउट दी लाइनअप में जो है i5 10th जनरेशन मिल रहा है, बाय नो मीन मैं ये नहीं कहना चाहता कि i5 इंटेल 10th जनरेशन एक अंडर पावर्ड प्रोसेसर है, लेकिन उसके साथ में दोस्तों अच्छी रैम देनी पड़ती है, एक अच्छा स्टोरेज इनको जो है दोस्तों देना चाहिए था। और अगर स्टोरेज नहीं दे सकते तो कम से कम एक एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे एसडी कार्ड के रूप में रखना चाहिए था। बात करते हैं दोस्तों इसकी स्क्रीन साइज की, तो लगभग 12.2 समथिंग जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन जो है इसकी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन से जो है दोस्तों काफी छोटी स्क्रीन है। एंड बाय द वे दोस्तों, ये टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। पोर्ट सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट सिचुएशन सिर्फ आपको जो है यूएसबी ए मिलता है, टाइप सी देखने को मिलता है, और एक सिर्फ जो है दोस्तों ऑडियो जैक आपको देखने को मिलता है। नाउ फॉर्म फैक्टर इतना छोटा है कि मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों इन लोगों को एटलीस्ट एक एसडी कार्ड देना चाहिए था। नाउ बात करता हूं दोस्तों मैं फीचर्स की, तो मैं कहूंगा दोस्तों फीचर पैक ये लैपटॉप है, आप लोगों को स्टूडियो क्वालिटी जो है दोस्तों यहां पे माइक देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कोई जो है शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों 64 जीबी व्हेन इट कम्स टू ए लैपटॉप, वाकई मैं कहूंगा कि एक कम स्टोरेज जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलता है, बिकॉज 128 भी कहूं दोस्तों बहुत जल्दी भर जाता है जब लैपटॉप की मैं बात करता हूं, तो इन लोगों को एटलीस्ट 8 जीबी रैम 256 जीबी वाला जो स्टोरेज ये वाला लैपटॉप है दोस्तों, अगर ये 63,000 रुपीज में लॉन्च कर देते तो मैं कहता कि काफी ज्यादा जो है सही चीज माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने बेस वेरिएंट की प्राइस ही काफी ज्यादा रखी है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सरफेस लैपटॉप की प्राइसिंग आप अगर सोचो कि आगे चल के कम हो जाएगी तो मुश्किल से दोस्तों 3 से 4 हजार रुपए कम होती है। मैं सरफेस प्रोडक्ट का मैं भी एक टाइम पे काफी ज्यादा फैन था, लेकिन इनकी प्राइसिंग बिल्कुल ये लोग गिराते नहीं है। भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपका लैपटॉप है, तो आप लोगों को वक्त के साथ प्राइसिंग गिरानी चाहिए जैसे कि दूसरे लैपटॉप करते हैं दोस्तों, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है। नाउ टच स्क्रीन जो है दोस्तों आप लोगों को 3:2 एस्पेक्ट रेशियो वाली देखने को मिल जाएगी, दैट्स एन टच डिस्प्ले।
रैम जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 GB, 8 GB और 16 GB वाली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्टोरेज यहाँ पे 64 GB वाला दोस्तों EMMC स्टोरेज है, जो कि कई गुना आपको जो है दोस्तों स्लो देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू SSD स्टोरेज। नाउ यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को फिंगरप्रिंट मिल जाता है और विंडोज हेलो का सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजें, वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन 5, वाईफाई 6 का दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट देखने को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि हार्डवेयर जो है रॉ हार्डवेयर इन लोगों को जो है सही कर लेना चाहिए था। बात करते हैं दोस्तों और कुछ चीजों की यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं 1.1 kg का आपको जो है वेट देखने को मिल जाता है। नाउ बॉक्स में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, सरफेस गो लैपटॉप मिलेगा, 39 वॉट की पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये मैग्नीशियम एलॉय नहीं है, दिस इज एन प्योरली एल्युमिनियम बेस्ड थिंग, सो लाइक इट इज नॉट ए प्रीमियम मैग्नीशियम। जैसे कि सरफेस लैपटॉप में 3 आता है ना, उसमें मैग्नीशियम आता है, तो यहाँ पे आप लोगों को एल्युमिनियम ही देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू।